हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहाँ से जीते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है जो जात जात का कांग्रेस खेल खेल रही थी जाट को लेकर या नहीं चला? देखिए, जो पहलवानों का आंदोलन था, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान हैं ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है, और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। बुलाना सीट जो कि हार्ड सीट मानी जा रही थी, वहां से दिनेश फोगाट जीत के लगभग 6,000 वोट से, आप ही का नाम लेके पूरा प्रचार लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा, वो तो जीत गई। लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ, वो जहाँ जाएगी सत्यानाशी होगा।